हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। चलो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा कल जो अपन पढ़ रहे थे दक्षिणी अमेरिका, है ना। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ रहे थे, दक्षिणी अमेरिका। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हमने कहा कि ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। और इसके बाद कुछ इसकी विशेषताएं की थी हमने कि यहाँ सबसे बड़ा देश कौन सा है और कितने देश हैं, कितने देश ऐसे हैं जो स्थलबद्ध हैं, और कितने देश ऐसे हैं, कितने देश ऐसे हैं जो ब्राजील के साथ सीमा बनाते हैं, और कितने देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक हैं, है ना। दो दो देश बताए थे मैंने आपको, बिल्कुल याद होगा। फिर हमने कहा उसके बाद कुछ प्रमुख पर्वतों की बात की, और उसमें सबसे पहले हमने कहा एंडीज पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? एंडीज पर्वतमाला। और जो एंडीज पर्वतमाला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसका विस्तार 7000 किलोमीटर में है, 7000 किलोमीटर में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एकांक गुआ है, माउंट एकांक गुआ, है ना, माउंट एकांक गुआ। यहां तक हमने कंप्लीट बात की। उसके बाद मैंने कहा यहाँ दो ज्वालामुखी हैं, दो ज्वालामुखी कोटोपैक्सी और सिम्बेरोजी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। यहां तक हो गया। उसके बाद हमने कहा प्रमुख हमने क्या पढ़े? पर्वत। पर्वत के बाद हमने प्रमुख पठार पढ़े, और पठार में मैंने बताया आपको गिनी का पठार है, बोलिविया का पठार है, माटोग्रासो का पठार है, ब्राजील का पठार है, और पेंटागोनिया का पठार है। और जो बोलिविया का जो पठार है ना आपका, जो बोलिविया का जो पठार है, इस बोलिविया के पठार में एक झील स्थित है जिसका नाम है टीटिकाका। क्या नाम है? टीटिकाका। और ये जो टीटिकाका जो झील है ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। नौकागम्य का मतलब क्या हुआ कि यहाँ नौ परिवहन है, नाव चल सकती है। तो टीटिकाका झील जो है ये बोलिविया के पठार में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे, पठारों के बाद पढ़ेंगे प्रमुख नदियां, और नदियों के बाद हम प्रमुख मरुस्थल पढ़ेंगे, है ना, प्रमुख मरुस्थल। तो अब अपन पढ़ते हैं, हेडिंग डाल दो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियां। और सबसे पहले जब अपन प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो आपके आपके दिलो दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि सबसे जो पहली नदी है वो सर नदी है अमेजन। कौन सी नदी है? अमेजन नदी। अब देखो यहां से आपके दिमाग में जो प्रश्न आएंगे सभी को संतुष्ट करते हैं अपन, है ना। सबसे पहले इसका उद्गम कहां से होता है? तो आप कहोगे सर इसका उद्गम होता है एंडीज पर्वतमाला से। कहां से होता है? एंडीज पर्वतमाला। इसके बाद एंडीज में भी अगर आपसे पूछें तो पेरू से, और पेरू के बाद ये ब्राजील में बहती है। कहां बहती है? ब्राजील। पेरू से इसका उद्गम होता है और बहती कहां है? ब्राजील में। यानी ये जो आपका पेरू है यहां से उद्गम होकर ये जो नदी है ये बहकर और अटलांटिक महासागर में अपना जल डालती है। और ये जो नदी है इसको अपन कहते हैं अमेजन नदी। क्या कहते हैं? अमेजन नदी। ध्यान रखना दो देशों में बहती है, पेरू से निकलती है और ब्राजील में बहती है। अब समझो यहां इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं भाई, है ना। देखो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो सर पहली कौन सी है? पहली है बेटा नील नदी, जिसे मिस्र
मिस्र जो है उसे नील नदी का वरदान कहते हैं, सबसे लंबी नील, उसके बाद दूसरी सबसे लंबी अमेजन नदी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे विश्व की सबसे बड़ी नदी। देखो बेटा, लंबी और बड़ी का अंतर क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अमेजन नदी है, इसका बेसिन जो है, क्षेत्र जो है, वो जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, नील नदी से भी बड़ा है। यानी एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है अमेजन नदी। लेकिन अगर लंबी पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है? लंबी है नील, सेकंड है अमेजन नदी, है ना। अब समझो, यहां से कुछ प्रश्न बनते हैं, और वो प्रश्न ये बनते हैं कि ये जो अमेजन नदी है यहां एक डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा का नाम है मकापा डेल्टा। याद रखना, अटलांटिक महासागर में एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम है मकापा डेल्टा। कौन सा नाम है? मकापा डेल्टा। यहां इस नदी के ऊपर यहां एक डेल्टा बना रखा है, डेल्टा नहीं, एक बंदरगाह बना रखा है जिसे अपन कहते हैं मानोस बंदरगाह। और ये जो मानोस बंदरगाह है, ये विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह है, विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह। और यहां आपसे नदीय बंदरगाह भी पूछ सकते हैं, विश्व का सबसे अंतरतम नदीय बंदरगाह। और नदीय का मतलब ये हुआ कि नदी पर कौन सा बंदरगाह है, जैसे 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 अपना कोलकाता जो बंदरगाह है, भारत का कोलकाता जो बंदरगाह है, वो भी क्या है? नदीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? नदीय बंदरगाह। जब हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एक विशेष नोट लिखते हैं कि कोलकाता बंदरगाह एक नदीय बंदरगाह है, है ना। वैसे ही मानोस बंदरगाह जो है, ये विश्व का सबसे अंदर, यानी कि डेल्टा पर तो देखो तट रेखाओं पर तो सभी बंदरगाह स्थित होते हैं, लेकिन ये नदी के आंतरिक भागों में स्थित है, इसलिए इसे मानोस बंदरगाह को विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह कहा जाता है। अब समझो, यहां से और भी प्रश्न बनते हैं। ये जो अमेजन है इस अमेजन के बेसिन में जो वन पाए जाते हैं उन्हें अपन कहते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और ये जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, इन्हें अपन कहते हैं पृथ्वी के फेफड़े। क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े, क्योंकि यहां जो वन है वो अकेले इतनी ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर उसका प्रवाह होता है, तो इसे अपन क्या कहते हैं? पृथ्वी के फेफड़े। किसे कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को जो अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं, और ब्राजील में इसे कहते हैं, इन्हीं वनों को ब्राजील में कहते हैं सेलवास। क्या कहते हैं? सेलवास। तो दो प्रश्न हुए, एक प्रश्न यह हुआ कि अमेजन वनों को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, और इन्हीं वनों को, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को ब्राजील में सेलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलवास। अब समझो, यहां एक प्रश्न और बनता है कि ये जो अमेजन का वर्षा वन का जो एरिया है, अमेजन के जो वन है,
इन अमेजन वनों में एक जनजाति निवास करती है, एक जनजाति निवास करती है। कोई बच्चा बता सकता है कौन सी जनजाति है? एक जनजाति निवास करती है और इस जनजाति का नाम है एकराओ जनजाति। कौन सी जनजाति है? एकराओ जनजाति। आपसे पूछा जा सकता है कि एकराओ जनजाति कहां पाई जाती है, तो आप कहोगे ब्राजील में, और अगर ऑप्शन में ब्राजील ना मिले तो आपको मिलेगा अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन, अमेजन के जो वन है उन वनों में जनजाति निवास करती है जिसका नाम है एकराओ जनजाति। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ नदियां और भी हैं, कुछ नदियां और भी हैं, उन नदियों को करते हैं भाई, है ना। कुछ नदियां अपने पास और भी हैं, उन नदियों को अपन करते हैं। तो सबसे पहले अपन करेंगे उन नदियों में, अमेजन नदी को हमने कंप्लीट किया, और उसके बाद एक नदी है, एक नदी का नाम है पराना नदी, पराना नदी। और ये जो पराना नदी है इसका उद्गम जो होता है, इसका उद्गम जो होता है वो होता है ब्राजील के पठार से। कहां से होता है? ब्राजील के पठार से, और ब्राजील के पठार से ये निकलती है, और समाप्ति जो स्थल है, समाप्ति स्थल जो है वो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। यानी कि ब्राजील के पठार से ये नदी निकलती है, ब्राजील के पठार से ये नदी निकलती है और अपना जल कहाँ डालती है? अटलांटिक महासागर। और जब ये यहाँ जल डालती है तो इसके ऊपर यहाँ एक ब्राजील में एक परियोजना बनी हुई है जिसे कहते हैं इटेपू बांध। और ये जो इटेपू बांध बना हुआ है ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है? इटेपू बांध परियोजना। कौन सी नदी पर है? पराना नदी पर। एक प्रश्न है, इसके बाद जब अपन बात करते हैं तो यहाँ गिन्नी के पठार से एक नदी निकलती है और वो नदी अपना जल डालती है कैरेबियन सागर में। कहाँ डालती है? कैरेबियन सागर में, और जिसका नाम है ओरेनिको नदी। ओरेनिको कौन सी है? ओरेनिको नदी। और ये जो ओरेनिको नदी है इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है केरू नदी। और ये जो केरू नदी है इसके ऊपर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसे अपन कहते हैं एंजिल जलप्रपात। क्या कहते हैं? एंजिल जलप्रपात। और ये जो एंजिल जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 979 मीटर। और इसका प्रश्न ये है कि ये एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? केरू नदी पर। कौन सी नदी पर है? केरू नदी पर, है ना। कौन सी नदी से है? केरू नदी पर। और सबसे बड़ी बात यह है केरू नदी पर स्थित है कौन सा जलप्रपात? एंजिल जलप्रपात, और ओरेनिको की सहायक है। और इस ओरेनिको नदी को दक्षिणी अमेरिका की तेल नदी कहा जाता है। ओरेनिको नदी को, और
और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें, चलो कमेंट में आप मुझे बताना, कमेंट में आप सबकी जिम्मेदारी है ये कमेंट बताना कि विश्व की तेल नदी कौन सी नदी को कहा जाता है ना। इसके बाद एक यहां से नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पराग्वे से निकलती है, और इसका इसी देश के नाम से अर्जेंटीना से बहते हुए, और इसका नाम है पराग्वे नदी। क्या नाम है? पराग्वे नदी। और ये जो पराग्वे नदी है ये यहाँ कुछ घास के मैदानों का निर्माण करती है, कुछ मैदानों का निर्माण करती है जिसे अपन कहते हैं लापलास का मैदान, लापलास का मैदान। और ये जो लापलास का मैदान का निर्माण करती है पराग्वे अर्जेंटीना और उरुग्वे में, है ना, पराग्वे अर्जेंटीना और उरुग्वे में निर्माण करती है। तो हमने प्रमुख नदियां पढ़ी, अमेजन नदी को हमने देखा, उसके बाद हमने कहा पराना नदी है, और पराना के बाद हमने कहा पराना नदी पर इटेपू बांध बना हुआ है, उसके बाद ओरेनिको नदी दक्षिण अमेरिका की तेल नदी है, सहायक नदी केरू है, केरू पर एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके बाद हमने कहा कि पराग्वे नदी है और कहां से उद्गम होता है, उद्गम कहां से होता है, पराग्वे से होता है, और पराग्वे अर्जेंटीना और उरुग्वे में बहती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल डाल देती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, यहां से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हो गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रमुख मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसके प्रमुख मरुस्थल हैं, और सबसे पहले अपने एक मरुस्थल बोलते हैं, कौन सा है? एक मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल है। और ये जो अटाकामा मरुस्थल है कौन से देश में स्थित है? चिली में। कहाँ है? चिली, वही मिर्च वाली चिली, है ना। इसके बाद दूसरा मरुस्थल है जो है जिसे अपन पेंटागोनिया का पठार देखते हैं, तो पेंटागोनिया का मरुस्थल भी है। और ये जो पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये मरुस्थल है अर्जेंटीना में। कहाँ है? अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है अर्जेंटीना में, और ये पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है ये शीतोष्ण मरुस्थल है। और ये जो अपना अटाकामा जो मरुस्थल है ये उष्ण मरुस्थल है। कैसा है? उष्ण मरुस्थल है। अब आपको मैप में मैं समझा देता हूं, मैप में आपको ये कंप्लीटली बता देता हूं कि कैसे क्या है, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा सर आपने ये जो मरुस्थल बताए ये करवाए नहीं बताए नहीं, तो ऐसा नहीं है, है ना। अपन देखते हैं, बता ही देते हैं भाई, डाउट रहे नहीं बच्चों को, डाउट वाला काम अपन रखेंगे नहीं, है ना। चलो यहां मैं आपको बताता हूं, ये जो है ये अपना क्या है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले अटाकामा मरुस्थल की बात करते हैं, तो इस रीजन में है अटाकामा मरुस्थल। कैसा है? अटाकामा मरुस्थल। और ये जो अटाकामा मरुस्थल है ये उष्ण है, जबकि इस रीजन में एक मरुस्थल जो है वो है पेंटागोनिया का मरुस्थल। अब समझो, ये जो अटाकामा मरुस्थल है इसमें एक स्थान है जिसका नाम है, कई जगह अरिका बोलते हैं, कई जगह उसका नाम अकीरा बोलते हैं। और ये जो अरिका या अकीरा जो स्थान है ये विश्व का सबसे
सबसे शुष्क स्थान है। शुष्क स्थान विश्व का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? अरिका है, जो कि अटाकामा मरुस्थल में स्थित है। अब आप कहोगे सर आपने मंट घाटी को भी लिखवाया कि विश्व का सबसे गर्म स्थल है, वो बेटा स्थल है, पैलेस है ना, और ये क्या है? स्थान है। वो स्थल है और ये स्थान है ना, गर्म स्थल है ना, एरिया है, एरिया पूरा एरिया है ना। तो याद रखना ये पर्टिकुलर एक जगह है अरिका, वो जगह जो है वो सबसे गर्म है विश्व में सबसे, और वो पूरी मंट घाटी जो है, डेथ वैली जो है, वो पूरी की पूरी वहां का पूरी की पूरी जो भौगोलिक स्थिति है वो पूरी गर्म है ना, समझना। स्क्रीनशॉट लीजिए इस बात का। हो गया, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, महाद्वीप के घास मैदान, घास मैदान। और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के घास मैदानों को अपन देखेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे सर इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय घास मैदान, घास मैदान। और ये जो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, एक है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। और उष्ण कटिबंधीय जो घास मैदान है इसमें अपन दो मैदान पढ़ते हैं, इसमें अपन दो मैदान देखेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे दो मैदान हैं, एक है लानोस, एक है लानोस और एक है कंपास। और ये जो लानोस है ये कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला, वेनेजुएला, वेनेजुएला में, जहाँ एंजल जलप्रपात है। और ये ब्राजील में, ये कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में, ब्राजील में जो वेनेजुएला है, लानोस, लानोस एंजल जलप्रपात। और शीतोष्ण घास के मैदान जो हैं ये हैं पंपास, और पंपास जो हैं ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना में। कहाँ? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। अब समझो, अब समझना इस बात को, आपके दिमाग में चल रहा होगा ये सर ये घास के मैदान कैसे क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ये अपनी संपूर्ण पृथ्वी है, इसको दो भागों में बांटते हैं, ये जीरो डिग्री अक्षांश है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तरी और 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिणी। इसको अपन बोलते हैं करक रेखा और इसको अपन बोलते हैं मकर रेखा। अब 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये जो है अंटार्कटिक वर्त है, इसको अपन बोलते हैं आर्कटिक वर्त। और दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कटिबंध कहलाता है। तो जहां मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच सूर्य का वर्ष भर प्रकाश सीधा चमकता है, इसलिए इसे अपन कहते हैं, इसे अपन कहते हैं उष्ण कटिबंध, इसे क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। और इस 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें अपन कहते हैं उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और 23.5 से 66.5 के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें अपन कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सीधा सा फैक्ट है, याद रखना कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा से 23.5 डिग्री मकर रेखा तक जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और 23.5 से 66.5 के बीच में जो भी घास के मैदान मिलते हैं उन्हें अपन कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यहां आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हो गया। अब देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख पौने पढ़ो भाई, प्रमुख, प्रमुख पौने। और प्रमुख पौने जब अपन देखते हैं तो एक पवन है जिसका नाम है सिराजो, सिराजो। और इसी सिराजो को अपन कहते हैं फ्राइजेम, फ्राइजेम, सिराजो है फ्राइजेम। इसके बाद अपन देखते हैं एक है जोंडा, एक है जोंडा, एक है जोंडा और एक है पम्पेरो, जोंडा और पम्पेरो। अब देखो आपको ये ध्यान कैसे रखना है, ये जो सिराजो है ये है ठंडी, और ये जो ठंडी पवन है ये कहां चलती है? ब्राजील में, ब्राजील में, है ना। इसके अलावा
इसके अलावा जोंडा जो है ये भी ठंडी है और कहां चलती है, अर्जेंटीना में, कहां चलती है, अर्जेंटीना में। और पंपेरो जो है ये गर्म है, क्यों, क्योंकि जब हवा भरते हैं पंप से, जब हवा भरते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म है, और कहां है, अर्जेंटीना में, क्योंकि पंप से हवा तो अपन कहां भरते हैं, अर्जेंट होती है तभी भरते हैं, भाई हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, अर्जेंट हो गया, तो अर्जेंट होते ही हमने पंप से हवा भरी, यानी कि पंप गर्म हो गया, पंपेरो गर्म अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना। क्योंकि पिछली स्लाइड को भी आप ऐसे याद रखना, पंपास कब जरूरत होती है पंप की, जब हमें अर्जेंट होता है, और पंप क्या हो जाता है, गर्म। तो पंपास जो घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में है, पंपेरो जो पवन चलती है वो अर्जेंटीना में चलती है, जो कि गर्म पवन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब नेक्स्ट देखो, अपने कुछ फैक्ट लिखो। दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी, दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासी, और दक्षिणी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं इन्हें कहते हैं रेड इंडियन। अब देखो यहां से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक है मूलेटो और एक है जंबो। जनजातियां होती हैं, मूलेटो जो होते हैं वो अश्वेत प्लस यूरोपीय जो लोग होते हैं, यूरोपीय इनका जो मिश्रण होता है उसको मूलेटो कहते हैं, और जंबो जो होते हैं वो अश्वेत प्लस भारतीय होते हैं, अश्वेत प्लस भारतीय। एक मुस्टिजो भी होते हैं, मुस्टिजो, और ये जो मुस्टिजो होते हैं ये अश्वेत प्लस यूरोपीय प्लस, उसके बाद यूरोपीय प्लस इंडियन जो होते हैं, इनका जो मिश्रण होता है इनको अपन क्या कहते हैं, मुस्टिजो कहते हैं, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब लास्ट में अपन देखते हैं दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख खनिज। तो सबसे पहले अपन खनिज देखेंगे, पहला जो खनिज है वो गिन्नी का तट जो है ना, गिन्नी का पठार, और इस गिन्नी के पठार में पाए जाते हैं बॉक्साइट के भंडार। और यहां जो खनिज पाया जाता है वो पाया जाता है एल्यूमिनियम। कौन सा खनिज पाया जाता है, एल्यूमिनियम। अब आ जाओ नेक्स्ट, जब अपन बात करते हैं बोलीविया का पठार है, और इस बोलीविया के जो पठार में भंडार पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं टिन के। किसके भंडार पाए जाते हैं, टिन के। इसके बाद जब अपन बात करते हैं, एक क्षेत्र आता है मरकेबो। कैसा आता है, मरकेबो क्षेत्र, और एक झील भी है भाई, है ना। यहां अगर अपन बात करते हैं, एक मरकेबो झील जो कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मरकेबो झील। और ये जो मरकेबो क्षेत्र है ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम उत्पादन। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना अटाकामा
क्षेत्र, और ये जो अटाकामा क्षेत्र है इसमें तांबा मिलता है, तांबा तांबा, और ये जो तांबा है चिली में, यहां एक खान है चुकिक चुकिक चुकिक, इसका नाम भाई चुकिक माटा है, इसका नाम है चुकिक माटा खान, और ये चुकिक माटा खान है, इस खान को विश्व की तांबा राजधानी कहा जाता है, तांबा राजधानी कहा जाता है, विश्व की तांबा जो राजधानी है वो कहां, किसे कहा जाता है, चुकिक माटा खान है, कहां है, चिली में है, कहां है, चिली में, चिली को विश्व की तांबा राजधानी कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है चुकिक माटा। और यहां एक लास्ट में अपन और नोट करेंगे अमापा क्षेत्र या अमापा खान, और ये जो अमापा खान है ये है ब्राजील में, कहां है, ब्राजील में, और ये जो अमापा खान है, ये जो अमापा खान है ये विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान है, मैंगनीज इसकी खान है, मैंगनीज की खान है विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज की खान अमापा खान है, जो कि विश्व की तांबा सबसे बड़ी तांबे की खान है, चुकिक माटा खान चिली में स्थित है, और अमापा खान जो है ये ब्राजील में स्थित है मर्केबो क्षेत्र पेट्रोलियम के लिए, बोलिविया क्षेत्र टिन के लिए, गिनी का पठार जो है वो बॉक्साइट के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। तो इसी के साथ अपना जो दक्षिणी अमेरिका है वो कंप्लीट होता है। दक्षिणी अमेरिका यानी कि सबसे पहले हमने उत्तरी अमेरिका पढ़ा, अमेरिका, उसके बाद हमने कहा दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है इसको हमने कंप्लीट किया। सबसे पहले देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर्वत कौन से हैं, फिर हमने कहा यहाँ पठार कौन से हैं, फिर हमने कहा यहाँ नदियां हैं, और नदियों के बाद हमने कहा मरुस्थल हैं, और मरुस्थल के बाद हमने कहा घास के मैदान हैं, और घास के मैदान के बाद हमने कहा जनजातियां हैं, और जनजातियों के बाद हमने लास्ट में क्या पढ़ा खनिज। और इसी के साथ हमने इसमें झील भी पढ़ी, दो झीलें, टीटी काका झील और मर्केबो झील, और इसके अलावा हमने यहाँ ज्वालामुखी भी पढ़ी। अगर आपको सरकारी नौकरी में सिलेक्शन लेना है तो आपको व्यवस्थित पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा। ऐसे इतना आसान भी नहीं है तो इतना कठिन भी नहीं है, है ना। चुपचाप मेहनत करो, उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है, है ना। तो ये जो मेहनत है ये आपकी चुपचाप मेहनत है, लगे रहो, जिस दिन पेपर हाथ में होगा उस दिन आपको पता लगेगा कि ये मेहनत कितनी काम आ रही है ना। तो इसी के साथ आज का जो सेशन लेंगे वो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन आप कमेंट में बताना कौन सा महाद्वीप स्टार्ट करें, दो महाद्वीप अपने कंप्लीट हो गए, तो आज की जो क्लास रहेगी यहीं तक आज अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और आराम से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।